क्या कर रहे हो भाई? इस तरह की यहाँ जो भाई इस तरह का बना दो हर जगह पे। थोड़ा अंदर भी उधर भी जाएंगे आगे आगे चले गए झाड़ मार के जमा करके। ये देख यहाँ पर भाई दूसरा दे दो फिर। आज हम मुंबई को जितना हो सके उतना साफ करें और हर रोज रखें उस पर आप ध्यान देना चाहिए। ये पकड़ लो एक किसी का हाथ से का यहां पे आए भाई इकड़े आप लोग भी साफ करो दूर से। ये सर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए चवन जितना करना चाहता हूँ जोर से साथ में आए हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले हम लोग घर से शुरू करते हैं, तो आज हम लोग ने घर से लेके यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ईद के लिए प्रयास के लिए क्या कहेंगे? हाँ करण भाई एक दिन में आप साफ ही होने वाला है। हो गया अब ये सुपर हीरो एक दिन में हमने पूरा साफ कर दिया। वैसे हैं एक दिन में हमने पूरा काफी साफ हुआ है। मैं यहाँ पर जितने भी फाउंडेशन कॉलेजेस आए हैं मैं उन सबका नाम लेना चाहता हूँ। अल नूर सैयद फाउंडेशन, एस पी डी टी कॉलेज, एन एस एस जी ग्रुप फोटो देना एक सर एक में सेवन सर बुला दे दो में सी बात आती है। एक सर एक सर जल्दी ले लो जो जो ले रहा है भाई जल्दी जल्दी लो। बाइट उधर चलिए बाइट उधर है। चलो भाई चलो क्या बात है अरे तो योगी कम लगा के टाइगर उसको निकाल के मैं बाहर फेंकता हूं। दुकान है क्या यार? मार्केट में सुंदर ये निकालो। ये बहुत अच्छा मिला एक मिनट। यू ऑल बढ़िया मैम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूं मैम। आज बहुत मेहनत की है आप पसीना पसीना हो गए ये देखिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ने लिया, बीएमसी ने लिया एंड भामला फाउंडेशन इज टेकिंग दैट फॉरवर्ड शहर आसिफ भाई। सो यस बहुत अच्छा करती है बीएमसी, ऑलवेज कीपिंग आर मुंबई क्लीन एंड स्वच्छ एंड ये कैंपेन करते रहते हैं। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको मेहनत करनी चाहिए एज अ सिटीज़न ऑल्सो। हम हर चीज़ फाउंडेशन पे या उनके साथ जुड़ के साफ रख सकते हैं अपनी मुंबई को, हर चीज़ अपनी बीएमसी पे नहीं छोड़ सकते। एज अ सिटीज़न हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सिटी को अपनी कंट्री को स्वच्छ रखें। जब स्वच्छ रहेंगे तभी हिट बनेंगे और ब्लॉकबस्टर बनेंगे और पूरी दुनिया पे एक अपना छाप छोड़ेंगे दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड वी कैन डू इट।
एंड स्वच्छता से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज हम कितना बीमार पड़ते हैं। स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा भी है, हम कितना बीमार पड़ते हैं। आज आप देखो कितने लोग अस्पताल में है क्योंकि डेंगू हो रहा है। डेंगू क्यों हो रहा है? क्योंकि मच्छर है। मच्छर क्यों है? क्योंकि गंदगी है। सो कॉकरोच कितने हैं। तो आई थिंक हमको अपनी सिटी को साफ रखना चाहिए। हम ची मुंबई, वी गॉट टू गिव इट फुल लव। यस, 100%। प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया। यस, यू नो यूजली ये टॉपिक इतनी छोटी लगती है कि स्वच्छ सफाई अभियान, सफाई क्या, बट ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया, क्योंकि ये फाउंडेशन होती है। स्वच्छता इज़ अ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग अ नेशन, ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन, आई रादर से। एंड इट इज़ वेरी, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव। एंड इतनी बेसिक चीज़ वो हमको समझा रहे हैं जो हमको खुद ही आनी चाहिए थी। जब स्वच्छ रहेगा भारत तब स्वस्थ रहेगा भारत। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, फॉरगेट अदर्स, खुद के लिए सेल्फिश हो जाइए। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, प्लीज सफाई आसपास बरकरार रखें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना घर और बाहर सब साफ रखें। कूड़ा दान होता है, गवर्नमेंट ने ये भी कितना अच्छा इनिशिएटिव निकाला था कि गिल्ला कूड़ा अलग रखो, सूखा कूड़ा अलग रखो, बहुत ज़रूरी होता है। ये हम करेंगे तो हम बहुत कामयाब होंगे और बीमारी नहीं होगी, हमको नहीं, हमारे बच्चों को नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बाय एंड हैप्पी गांधी जयंती। ये एक्चुअली हीरो है। चलो आ जाओ, आप रहो, आप लोग फ्रेम में, हीरो आप हैं, आप लोगों को फ्रेम में रहना चाहिए। हम लोग हीरो नहीं, आप लोग हीरो। आप लोग जिस तरीके से सुबह आप लोग काम करते हो, सुबह सुबह उठ के मैं देखता हूँ। एक्चुअली ये लोग हीरो यार, हमसे पहले ये उठते हैं और काम करते हैं। आई थिंक हम लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, तब जाके हमारा देश साफ होगा। खाली तैली फेंकना मना कर दो, बोल दो बस, और कुछ नहीं, प्लास्टिक फेंकना मना कर दो। प्लास्टिक ना, देखिए ये एक्चुअली इनसे समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ है प्लास्टिक का, बस बैग उसको निकालना भी बहुत तकलीफ होती है, उसको निकालना पड़ता है। वही वही बिल्कुल नहीं, अगर आपको कभी भी जरूरत हो आपको मैं नंबर देता हूँ, प्लीज़। हमारे एक सैटरडे संडे हम लोग प्लान करेंगे, सब अपने दोस्त, हम सब लोग आएंगे और ऐसे ही साहब आपको हेल्प करेंगे। नहीं, हर सैटरडे संडे पुनीत अपने ये आ रहे हैं, असिन सर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, असिन सर आ रहे हैं संडे। हाँ, अरे वाह वाह, असिन सर आ रहे हैं, असिन टीम भी आते हैं, वही असिन सर, असिन हम लोग रहते। अरे वाह वाह, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन के आप यहाँ पे, ये मत करो ऐसा, उठा ये ऐसा करो ऐसा, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए गए थे अभी माइन बीच में, हर जगह हम चलते हैं, हम लोग आज चलते हैं। आपका नाम क्या है? केशु। केशु आपका? नागराज। प्रमोद। प्रमोद, ये सभी लोग एक्चुअल हीरो यार, मुझे एक्चुअली इनके साथ आज मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था तो आप ये वॉक नहीं कर सकते थे, यहाँ पे बिल्कुल वॉक करने की जगह नहीं होती थी। कचड़ा लोगों को लगता था ये कचड़ा की वाली जगह है जहाँ पे कचड़ा फेंको। आज बहुत लोगों में एक अवेयरनेस आ गया और आने ज़रूरी है, लेकिन साफ का जो आप देख रहे हो ये इन लोगों की वजह से है। और पॉलीथीन पन्नी है ना, वो सबसे डेंजरस है, बिल्कुल मत फेंको, ना ही यूज़ करो। प्राइम मिनिस्टर भी पहला कदम उठाए थे इसके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी ने आज से 10 साल पहले जब स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्ट किया था, आई थिंक वहाँ से भी बहुत अवेयरनेस हुआ है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, तब ऐसा लगा था कि ये क्या होता है कि साफ सफाई करना सबसे बड़ा अभियान है, बट ये बहुत ज़रूरी है। आप हम सभी घर को साफ रखते लेकिन बाहर को साफ नहीं रखते, लेकिन बीमारियाँ होती हैं वहाँ से, डेंगू मलेरिया बहुत सारी बीमारियाँ। आओ आओ, ये है यार, इनको दिखाओ, तो वो सब होती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अगर साफ सफाई रखें तो आपका सोच भी बहुत अच्छा हो जाता है, हर चीज़ बदल जाता है। आई थिंक फ्यूचर जो है हमारे बच्चे हैं
उनको सिखाना उनके फ्यूचर के लिए, ये सबसे पहली चीज़ है। आई थिंक मोदी जी ने बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव आज से 10 साल पहले लिया था और अब बहुत बदला हुआ है। मैं सभी फैंस को, सभी देखने वालों को यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ मत करें, ना फेंकें, कचरा को बिल्कुल बाहर ना फेंकें, जहाँ पे जगह फेंकने वाली वहाँ पे फेंकें। अगर कोई फेंक रहा है तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार से हंसी से आपको आप मुस्कुराते हुए समझाएंगे तो वो समझेंगे, तो आई थिंक वो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आइए आइए आइए। जी हम यही कहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आसिफ भामला एंड यू नो भामला फाउंडेशन का पहले तो कंग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते थे पहले तो ये इतना भी नहीं था, तो अभी तो काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक ये धीरे धीरे कोशिशें करते रहेंगे, और ये एक बार या दो बार कई कोशिश नहीं है, ये कंटिन्यूस कोशिश होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सफाई रखेंगे तो डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा, और डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा तो हेल्दी पॉपुलेशन लोग सबसे ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ करते हैं। जी जी जी, हालांकि सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैंड भी है, लेकिन क्या कर सकते, धीरे 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 चीज़ें जो हैं बदलेंगी। हर जब भी कुछ इंप्लीमेंट होता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, फिर हो जाएगा। पहला कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उठाए जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब उनके कौन से कदम के बारे में बात करना शुरू करें जिसमें हमारे लिए यू नो कोई गर्व की बात ना हो। बट मुझे लगता है कि स्वच्छता एक ऐसा कदम है उनकी तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो पहले लोग समझते थे कि यार हमारा काम नहीं है, पर आज की डेट में ये एक ऐसी चीज़ होगी, हर इंसान को स्वच्छता के बारे में पता चल गया कि उससे होता क्या है, यू नो, तो अरे की मूवमेंट बन गई ऑल ओवर इंडिया, तो वो बहुत ज़रूरी था। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहूँगा कि देखिए यू नो आप जिस जिस शहर में रह रहे हैं, सिर्फ अपने घर को सिर्फ घर नहीं मानना, आप अपने शहर को, अपने यू नो अपनी कम्युनिटी को भी घर मानिए और उसको भी साफ रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। पहले तो ये जो इनिशिएटिव है भामला फाउंडेशन का, इट्स नॉट अ लाइक अ ईयरली थिंग और छः महीने वाली थिंग, रेगुलर करते हैं ये लोग। एक साल में लोग 650 इवेंट करते हैं इसी तरह के। और रही बात BMC की, जिस तरह से मुंबई है, और मुंबई इट्स लाइक सबको पता है यहाँ का पॉपुलेशन और कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं एवरी डे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस सिटी क्लीन, बट BMC डूइंग अमेजिंग जॉब, बहुत ही क्रेजी काम है उनका और बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह मुंबई को उन्होंने रखा हुआ है, मुंबई लोग इसी वजह से मुंबई नहीं आते, मुंबई बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक है, तो घूमने लायक भाई यही लोग वही बनाते हैं हमारे BMC वाले लोग, तो इनको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ में एज अ सिटीज़न और एज अ टूरिस्ट अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनका काम मुश्किल ना करें। तो प्लीज़ रास्ते पे जो हम कचरा फेंकते हैं इधर उधर, जब हम मोस्टली टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, कुछ खा के ग्लास फेंक दिया, पानी की बॉटल फेंक दी, वेफर चिप्स जो भी है, हमें अगर इसका ख्याल रख लिया ना, हम हमारी साइड से अगर हर इंसान, जितने भी टूरिस्ट है या रहने वाले लोग हैं, सिर्फ ये एक चीज़ का ख्याल रख लेना तो बहुत बेहतर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जाके तुम बस बीच ही क्लीन करने लगो, यही करने लगो अपना काम धंधा छोड़ के, नहीं, थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव, किसी को लगेगा यार मेरे एक बॉटल फेंकने से थोड़ी ना पर्यावरण बच जाएगा, बट ये मेंटालिटी चेंज इसी तभी होगी जब एक इंसान करना शुरू करेगा, एंड इसी तरह कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट हम लोग 10% तो कर सकते हैं, और हम लोग यही प्रण ले कि भाई हम लोग रोज़ अगर हम एक भी इंसान को देखेंगे कचरा डालते हुए, उससे झगड़ा करने की बजाय हम वो कचरा उठा के उसकी जगह पर पहुँचा दें, उस इंसान को वो रिक्वेस्ट कर दे, तो इसी तरह इट कैन बी क्लीन, हम हमारे दिल भी साफ होंगे और सिटी भी क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच। स्वच्छता ही सेवा है जो टैग लाइन है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता ही सेवा, भाई सच में हाइजीन जो है वो अपने आप में सारे रिलीजन में भी कहा जाता है कि हाइजीन इंसान का बहुत ज़रूरी है, और सच में हाइजीन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये जो सिटी है हमारा, वो हमारा घर है, जैसे ये बॉडी हमारा, हम सिटी एक घर है, ऐसा नहीं हम घर में ही रहते, हम सिटी के हर हिस्से में जाते, कभी काम के सिलसिले में, कभी घूमने, तो काइंड ऑफ ये हमारा घर है और हमें इसको क्लीन रखना चाहिए। और यही है जो